नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है जिसे आप सब जानते हैं। सर मास्क हटा दीजिए, पहचान लेंगे लोग। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी आज इंट्रोडक्शन आपका नहीं देने जा रहा हूं। पुलिस सर हैं, बस इतना ही इंट्रोडक्शन है, क्योंकि पूरी दुनिया इनको जानती है, जो खास करके गाड़ियां समझते हैं हुंडई को जानते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे साथ एन लाइन है और सर के साथ एक डिटेल इंटरव्यू करने वाले हैं गाड़ी चलाते हुए। तो चलाएंगे सर, बैठूंगा मैं और पूछूंगा सवाल मैं और जवाब देंगे सर। All the best, Amit ji. चले, let's do and let's play in i20 online. आइए सर, बैठिए। मैं पुनीत सर के साथ में एन लाइन में आ गया हूँ। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो पुनीत सर जब भी आते हैं ना तो एक जोश के साथ में एक मैसेज छोड़ जाते हैं लोगों के लिए। तो सर आज एन लाइन के बारे में सबसे पहले बता दीजिए। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों का मेरा तरफ से अभिवादन। एन लाइन को भी हमने फिलहाल में इस देश में इंट्रोड्यूस किया है, एन लाइन रेंज ऑफ कार्स को। वो सबसे पहले हमने इसमें 24 अगस्त को एन लाइन की i20 जो गाड़ी थी वो हमने इसको दर्शकों के लिए एक ऑफर किया है। और हमें बड़ा उम्मीद है कि जो एन लाइन रेंज है, जो एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड रेंज है, इंडिया में भी एक बड़ी सक्सेसफुल बन के आएगी। यूरोप के देशों में जहाँ जहाँ पर ये एन लाइन लॉन्च हुई है वहाँ पर इसने कस्टमर्स का पूरा दिल जीता है। और हमारे इंडियन कस्टमर्स को भी आई एम श्योर क्वाइट स्ट्रांगली कि काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और एन लाइन रेंज जो है ये आगे जाके बड़ी ही सक्सेसफुल सेगमेंट बन के आएगी। सर जिस कीमत पर इसे लॉन्च किया है और जिस जगह लॉन्च किया है तो ऑडियंस कौन सा होगा जिसे खरीदेगा? देखिए, सबसे पहली बात है हमारी जो i20 थी वो प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी ऑलरेडी थी। बट हमने जब एक रिसर्च की तो हमको समझ में आया कि इस सेगमेंट में भी कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि एक डिफरेंशिएशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट में वो रहे हैं वो थोड़ा सा हटके हो। तो हमने इस रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए अपने एन लाइन रेंज के कस्टमर्स के साथ हमने क्लिनिक किया था और हमने देखा कि कुछ कस्टमर जो कि सिंगल हैं और जो डिफरेंशिएशन सीकर हैं, काफ़ी मॉडर्न हैं, इनोवेटिव हैं और एक लाइफस्टाइल में अलग तरह का आयाम चाहते हैं, उनके लिए हमने जो एन लाइन रेंज है ये हमने यहाँ पर लॉन्च की है। और ये कस्टमर वो हैं कि जो चाहते हैं कि जब वो गाड़ी में बैठें तो उनकी गाड़ी हट के निकल के आए, एक नॉर्मल जो उनका मास कम्युनिकेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट होके आए। तो ये एन लाइन रेंज हमने भारत में i20 से शुरू की। सर इसे IMT में भी आप लोगों ने लॉन्च किया, जैसे आप IMT चला भी रहे हैं, तो ये कोई खास वजह थी कि DCT में समझ में आता है? देखिए, आप देखिए, एन लाइन में हमने सबसे पहली बात है कि इसमें टर्बो इंजन है हमारा, तो टर्बो इंजन के साथ हमारे जो IMT की और हमारा जो 7-speed DCT है इसकी परफॉर्मेंस एक काफ़ी अच्छी निकल गई है। हमने टर्बो को बाकी प्रोडक्ट्स में भी लॉन्च किया है पर आपको एन लाइन रेंज जो है इसमें सिर्फ टर्बो इंजन मिलेंगे और टर्बो के साथ आप में इसमें IMT और DCT मिलेगी। IMT आप देखिए एक नई टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। चलती तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह है पर है इंटेलिजेंट क्योंकि इसमें क्लच नहीं है। तो एक ये नया ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस हमने अपने कस्टमर्स को और अपने यंग ऑडियंस को दिया है, कहीं ना कहीं पर हमारी एन लाइन की जो रेंज है वो इसको डेमोक्रेटाइज करेगी और इसका प्रचलन और इस देश में बढ़ेगा। सर एल्केज़ार लॉन्च किया था 6-7 सीटर का जो विकल्प था और वहाँ लोगों ने शायद पसंद भी किया उसे काफ़ी आप लोगों के लिए उस गाड़ी को, और उसके ठीक बाद में इस वेरियंट में आना, मतलब ये कोई डिमांड थी या कोई खास वजह? देखिए ऐसा है कि Hyundai हमेशा हर एक चीज़ डिफरेंट करता है, एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पर करता है। एल्केज़ार जो सेगमेंट था हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अभी खासकर कोविड के टाइम पे हमने महसूस किया कि कस्टमर्स अब अपने फैमिली के साथ सोशल आउटिंग्स पे जाते हैं, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करते हुए अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट चाहते थे। तो बड़ी फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़ जहाँ पर दो दो तीन तीन बच्चे हैं, मदर फादर हैं, तो 5-6 लोगों को इकट्ठे अगर जाना हो तो एक ऐसा उनको चाहिए था गाड़ी जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ दूर दराज के शहरों में जा सके। तो इसलिए हमने एल्केज़ार रेंज को पेश किया ताकि फैमिली ड्राइविंग, फैमिली हॉलीडेज जो हैं ये लोगों को पसंद आए। और हमारे को बड़ी सराहना मिली है एल्केज़ार से, करीब करीब हर जगह पर एल्केज़ार जो है एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एल्केज़ार विल क्रिएट अ डिफरेंट सेगमेंट एज फार एज 6 and 7 सीटर सेगमेंट्स आर कंसर्न। और उसी को देखते हुए हमने ये एन लाइन रेंज भी
लॉन्च की, बिकॉज ये एक नई आयाम है परफॉर्मेंस गाड़ियों के बीच में, और कहीं ना कहीं पर ये जो कस्टमर है, जो एक यंग ऑडियंस है, ये इस गाड़ी को ज़रूर पहचानेगा, इसको सराहना करेगा, और आने वाले टाइम पे ये एक नया सेगमेंट बन के नजर आएगा। सर, इलेक्ट्रिक पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि कोना लॉन्च हुआ था, इसके बाद में कोई इससे नीचे का कोई प्रोडक्ट नहीं आया, जो कि बाजार में और बहुत सारी कंपनियाँ इलेक्ट्रिक लेके आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक पे और क्या देखने को? देखिए, सबसे पहली बात है कि Hyundai सबसे पहली कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ी को 2019 जुलाई में लॉन्च किया था कोना के साथ, और ये गाड़ी एक बड़ी सक्सेसफुल गाड़ी बन के आई है। हर एक डिपार्टमेंट, इनफैक्ट सरकार में काफ़ी इसके हमको टेंडर्स भी मिले हैं, और ये गाड़ी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है, और इसकी रेंज भी जो है, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज का जो चैलेंज रहता है वो उसमें कस्टमर्स को काफ़ी सराहना मिली है, कस्टमर को बड़ी अच्छी रेंज मिली है। अब इस वक्त अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश इस वक्त इलेक्ट्रिक के एक माहौल की तरफ जा रहा है, पर जो सरकार का जो पहला प्रचलन है वो है टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को प्रमोट करना। जो हमारी फेम टू स्कीम है, ये जो सरकार ने अभी नए नए पॉलिसीज बनाई हैं, वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में इलेक्ट्रिफिकेशन को ज़्यादा बढ़ा रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी हो जाएगा, और साथ ही में सरकार का फोकस फोर व्हीलर पे आना, पैसेंजर व्हीकल पे आना शुरू होगा, तो हम अपनी गाड़ी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम मास इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, हमारी पूरी तैयारी चल रही है, और एक अपॉर्चून मोमेंट पे हम अपनी गाड़ी को भी पेश करेंगे। सर, वेटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, हमारे बहुत सारे दर्शक जो है सवाल करते रहते हैं कि सर क्रेटा की वेटिंग 9 महीने 10 महीने, तो कैसे लें गाड़ी? देखिए, पिछले कुछ महीनों में कोविड का प्रकोप रहा, एक तो हमारी फैक्ट्री थोड़ी सी बीच में बंद रही, बाकी भी फैक्ट्रियां बंद रही, डीलरशिप्स बंद रहे, उसके कारण एक थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई की चैलेंज आ गई, और उसके ऊपर अगर आपने देखा होगा फिलहाल एक जो सेमीकंडक्टर का ग्लोबल इशू बना हुआ है, और आजकल की गाड़ियों में टेक्नोलॉजी बड़ी ज़्यादा है, हर एक गाड़ी में अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स आईसीज वगैरह लगते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं पर हमारी कुछ गाड़ियों में प्रोडक्शन को लेकर थोड़ा सा चैलेंज जरूर हुआ है, पर हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, अपने पेरेंट कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ताकि वाले आने वाले टाइम में ये जो सेमीकंडक्टर का चैलेंज, जो ग्लोबल चैलेंज है, इसको हम किसी तरह से कंट्रोल कर सकें और अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा सकें, ताकि वेटिंग पीरियड कम हो। पर फिर भी हम पूरी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने पूरे एक स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा प्लांट पूरी तरह से सक्षम है गाड़ियों को बनाने में, और हम कोशिश करेंगे कि ये वेटिंग पीरियड खासकर फेस्टिवल साइन पे जितना कम हो सके, ताकि हम अपने कस्टमर्स को और बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर सर्विसेज दे सकें। डीजल और पेट्रोल की बात करूंगा सर, बहुत सारे लोगों ने डीजल का साथ छोड़ दिया, आप पेट्रोल और डीजल दोनों पे बेच रहे हैं, तो सर आपको लगता है आने वाले टाइम में डीजल का डिमांड और बढ़ेगा, जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और डीजल भी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि डीजल जो है ज़्यादा जस्टिफाइड है? देखिए, पहली बात तो ये है कि डीजल और पेट्रोल जो है, आईसी इंजन जो हैं, एक बड़े ही कामयाब इंजन हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह से कस्टमर को वंचित रखें एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जो कि एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। तो जब BS6 भारत में लागू हुआ था, हमने ये निर्णय लिया था कि हमारी हर एक गाड़ी जो डीजल की है वो BS6 डीजल इंजन में भी होगी, और इस वक्त मैं आपको बताते हुए बड़ा हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि क्रेटा हमारी जो सबसे लार्जेस्ट SUV है, उसमें करीब करीब 70% गाड़ियाँ जो हैं डीजल बिक रही हैं। एक्चुअली अगर हम डीजल फ्यूल की बात करें और डीजल प्रोडक्ट की बात करें, एक जो फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस आपको डीजल गाड़ी में मिल सकता है, वो आपको पेट्रोल गाड़ी में नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारे कस्टमर आज भी डीजल के साथ बड़ा लगाव रख रहे हैं, और आने वाले टाइम पे डीजल जो है एक और नए आयाम का फ्यूल बन के सामने आएगा, और साथ में हमको पूरा विश्वास है कि डीजल जो है एक अपनी जो सेगमेंट में जो क्रेडिबिलिटी है वो बना के रखेगा, इसलिए हम बड़े सक्षम हैं और बड़े कॉन्फिडेंट कि डीजल प्रोडक्ट भी जो है हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा रहेगा। पर इसके अलावा हमने CNG को भी एक काफ़ी फोकस में ले आए हैं, और आने वाले टाइम पे जब सरकार अब फ्लेक्स फ्यूल की बात कर रही है, तो पेट्रोल, डीजल, CNG और फ्लेक्स फ्यूल, ये चार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारे पास भी जल्दी से जल्दी। CNG पे सर एक सवाल और बहुत छोटा सा, ऑरा और सेंट्रो बिकती है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, और कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो CNG होगा? देखिए, CNG में अब हम पूरा का पूरा इंडिया को स्टडी कर रहे हैं, हर फिलहाल सरकार ने अभी अनाउंसमेंट की है कि करीब करीब 10,000 CNG पंप्स वो पूरे भारत में लाएंगी, जैसे जैसे जिस जिस शहर में CNG की अवेलेबिलिटी होगी, बिकॉज CNG की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
जैसे जैसे सीएनजी की अवेलेबिलिटी होगी, हम उसी तरह से अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के साथ नए प्रोडक्ट्स में और नए पावर ट्रेन्स में सीएनजी को लाएंगे। ऑलरेडी हमारा सीएनजी जो है 3,000 से 4,000 पर गाड़ी पर मंथ हमारी बन रही है और हम कस्टमर्स इस सीएनजी को बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है हर एक फ्यूल के ऊपर है, हर एक तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर है, हर एक तरह के पोर्टफोलियो के ऊपर है। तो ये थे पुनीत सर, एक जोश बड़े अंदाज में अपनी सारी बात रख ली। जोश तो मैं बताऊं तो एनलाइन चलाते हुए आ रहा है, क्योंकि जो गाड़ी की बीच में टेक्नोलॉजी है, जो इसका परफॉर्मेंस है और जो इसके अंदर के फीचर जो हमने दिए हैं, जब भी हमारे दर्शक और हमारे कस्टमर इन गाड़ियों को चलाएंगे, आई एम श्योर दे विल बी टोटली सोल्ड आउट एंड दे विल हैव नो चॉइस बट टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो अब आप समझ सकते हैं कौन सा जोश है एनलाइन का, किसको खरीदना है भी क्लियर हो चुका है। मैं अपना रिव्यू में और बाकी चीज आपको बताने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आई अपनी बात रखी, सब कुछ क्लियर कर दिया आपने। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में सर। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको छोड़े जाता हूँ फिलहाल यहीं। कुछ और जानना चाहते हैं, कोई जहन में आपके सवाल रहेगा जो मैंने नहीं पूछा है पुनीत सर से, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi सवाल कर लीजिएगा। जवाब मुझे देना होगा, मैं दे दूंगा, नहीं तो पुनीत सर को दे दूंगा, ये दे देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमित जी। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।